प्रदेश भर में दिन रात दौड़ रहे खटारा 108 गाड़ियों को बदलने के लिए प्रदेश सरकार जल्द कदम उठाएगी। फिलहाल प्रदेश में दौड़ रही 198 गाड़ियों में से 56 गाड़ियों को बदल दिया गया है और बाकी बची हुई गाड़ियों को भी आगामी दिनों में बदला जाएगा। ये बात हमीरपुर में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कही। परमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश भर में दिन रात दौड़ रही खटारा 108 गाड़ियों को बदलने के लिए प्रदेश सरकार जल्द कदम उठाएगी। फिलहाल प्रदेश में दौड़ रही 198 गाड़ियों में से 56 गाड़ियों को बदल दिया गया है और बाकी बची हुई गाड़ियों को भी आगामी दिनों में बदला जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कही। परमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी सावधानी बरती जाएगी। 108 की लगभग 198 गाड़ियां हमने 56 गाड़ियां बदल दी हैं और जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में तमाम गाड़ियों को बदल दिया जाएगा और आपके हमीरपुर जिला की भी जितनी तमाम गाड़ियां हैं पुरानी गाड़ियों को बदला। आपको बता दें कि प्रदेश भर में दौड़ रही खटारा 108 एम्बुलेंस गाड़ियों के चलते कई बार मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खुद ही मरीज बनकर 108 एम्बुलेंस गाड़ियों की रिपेयर तक नहीं हो पाई है, लेकिन अब सरकार के गाड़ियों के बदलने के फैसले से मरीजों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और घंटों इंतजार पर स्वास्थ्य मंत्री परमार ने कहा कि अस्पतालों को मजबूत किया जा रहा है और डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को घर द्वार पर इलाज मिले और यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अस्पताल हैं वो भी आपकी तरह ही व्यक्ति हैं। एक डॉक्टर दिन में 200 पेशेंट को देख सकता है। एक अस्पताल में जो टेस्ट है उसकी भी एक निर्धारित संख्या है। इसलिए जो हमारे पैराफेरी के अस्पताल हैं जहां पर सीएससी है पीएससी है उनको मजबूत किया जाएगा। इसलिए ये कहना आसान है कि घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, पर जो पैराफेरी के अस्पताल हैं सीएससी हैं पीएससी हैं वहां पर ये हम सुनिश्चित करने वाले हैं कि इस प्रकार की बीमारियों का की तहकीकात इलाज वहीं पर किया जाए। ये मैं कहना चाहता हूं।